आज के इस वीडियो में हम 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित चड्डा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD एंड CEO अमित चड्डा बने हैं। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंशुमन सिंघानिया। ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अंशुमन सिंघानिया बने हैं। मोहन कुमार को ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह संगठन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख टायर कंपनियों में से 11 बड़ी कंपनियां एवं 95% भारतीय टायर उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष अंशुमन सिंघानिया हैं, उपाध्यक्ष मोहन कुमार हैं। टॉप राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष स्टैटिक जीके है ये। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। भेल के अध्यक्ष नलिन सिंगल हैं। नाडा के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष आर माधवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पोररी चैलेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन कांडा। एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पोररी चैलेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक मोहन कांडा ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, करेंट अफेयर्स रिवीजन, मनोहर पार्लियर, ब्रिलियंट माइंड, सिंपल लाइफ पुस्तक नितिन गोखले ने लिखी है। ई एस्केप द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लुगिटिव्स इन लंडन पुस्तक दानिश रूही खान ने लिखी है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक देवीर सिंह भंडारी ने लिखी है। वाइल्ड एंड विलफुल टाइल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पेसाइस पुस्तक नेहा सेन ने लिखी है। नेम ऑफ द वुमेन पुस्तक जीत थाइल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। 17वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता श्रीलंका देश करेगा। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता करेंगे और श्रीलंका की तरफ से श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने इसकी अध्यक्षता करेंगे। बिम्सटेक के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसके सेक्रेटरी जनरल तेजिन लोकफेल हैं। 7 सदस्य देश हैं इसके, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। श्रीलंका के बारे में जानकारी, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनेपुर है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी करेंसी रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। इसके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। श्रीलंका देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। श्रीलंका महावेली गंगा नदी की सबसे लंबी नदी है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से विश्वभूषण हरिश्चंद्र को सम्मानित किया गया है। विश्वभूषण हरिश्चंद्र वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। टॉप पुरस्कार, करेंट अफेयर्स रिविजन, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजाति मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से
वीरेंद्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। इंडिया पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से बिस्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की चंद्र वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण ग्रह है, इसको यूरेनस भी बोलते हैं। नासा की चंद्र वेधशाला के आंकड़ों से वैज्ञानिक ने पता लगाया कि यूरेनस ग्रह से एक्सरे किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन इसके स्रोत को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सौरमंडल से एक्सरे किरणें का निकलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूरेनस से आने वाली एक्स रे किरण सूर्य के प्रकाश के बिखराव का नतीजा नहीं है। खगोलीय वेदों को ऐसे संकेत मिले हैं जिससे पता चलता है कि इनका स्रोत यूरेनस ग्रह पर ही मौजूद हो सकता है। अरुण ग्रह के बारे में जानकारी, अरुण ग्रह सूर्य से सातवां ग्रह है। अरुण ग्रह को लेटा ग्रह हुआ कहते हैं। टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले दो ग्रह अरुण ग्रह हैं। अरुण ग्रह की खोज विलियम्स हर्शल ने की थी। नासा के बारे में जानकारी, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी, यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह सिग्नल फ्री है। इस एक्सप्रेसवे पर कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ जैसे स्मारक चिन्ह लगाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन विकसित होंगे। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2.5 मीटर की साइकिल ट्रैक भी होगी। और ऊर्जा की बचत के लिए सोलर सिस्टम से जलने वाली लाइटों का भी प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव शंकरप्पा एस साहूकर। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकर बने हैं। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर बिजू भाई वाला, इसरो मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना है। कर्नाटक के हवाई अड्डे कोंगप्पो हवाई अड्डा बेंगलोर में स्थित है। मैंगलोर हवाई अड्डा यह मैंगलोर में स्थित है। टॉप नियुक्तियां करेंट अफेयर्स रिवीजन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के नए सेक्रेटरी जनरल दत्तात्रेय होसवेले बने हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन रमना बने हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजेक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोन पे। बेंगलोर स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। फोन पे के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसकी पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट है। मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसके सीईओ और संस्थापक समीर निगम है। पेरेंट कंपनी इसकी फ्लिपकार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग इसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। वह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,
महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है, बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा या नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के मंदिर कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 58वां। 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 58वां संस्करण मनाया गया है। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1919 में बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एसएस लॉटरी सिंधिया स्टॉर्म नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल मंथ के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।